नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो काल गणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं राहु ग्रह के परिवर्तन के बारे में। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 20 मई 2025 तक मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। 18 महीने ये डेढ़ साल कैसे रहने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए और साथ में धनु लग्न वालों के लिए। फिर दर्शकों, समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुंडली का निर्माण किया है, जहाँ पर 9 अंक है वो आपकी राशि है धनु राशि, और साथ में जो धनु लग्न वाले हैं उस वो भी इस राशिफल को देख लें। तो जहाँ पर 9 अंक है वो आपकी राशि है धनु राशि, और आपकी राशि से पाँचवा भाव जहाँ पर है, जहाँ एक अंक लिखा हुआ है, जहाँ पर मैंने देवक गुरु बृहस्पति को दिखा रखा है, गुरु लिखा हुआ है, वहाँ पर देवक गुरु बृहस्पति के साथ राहु वर्तमान में वहाँ पे हैं, और साथ में 30 अक्टूबर को ये गुरु चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर गुरु जो हैं अपना पूर्ण फल देने के लिए आपको तैयार रहेंगे। साथ में पहले तक यहाँ पर कुछ ना कुछ मुसीबतें आ रही थी, गुरु आपको अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब राहु जो ही गुरु चांडाल दोष से देवक गुरु बृहस्पति को मुक्त कर देंगे और यहाँ से स्थान परिवर्तन करेंगे, यानी बकरी चाल में पीछे की ओर जाएंगे, जहाँ 12 अंक लिखा हुआ वहाँ पर राहु सुख भाव में गोचर करने वाले हैं 30 अक्टूबर से 2023 से और 2025 मई तक यहाँ पर रहेंगे। तो ये राहु का गोचर परिवर्तन आपके लिए कैसा रहने वाला, देखिए राहु की 3 दृष्टियाँ हैं और साथ में जहाँ वो बैठे हैं उस स्थान का भी फल देंगे। पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, देव गुरु बृहस्पति की भी 3 दृष्टियाँ हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, और देवक गुरु बृहस्पति आपके लिए भी बहुत अच्छा फल देंगे। उस पर मैं हल्की फुल्की आपसे बताऊंगा, उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन पूर्ण रूप से मैं राहु के ऊपर आपको जानकारी दूंगा। यहाँ पर जहाँ 4 अंक लिखा हो अष्टम भाव, वहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी सुख भाव से, और जहाँ पर 6 अंक लिखा दशम भाव कार्यस्थल पर, वहाँ पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी, और जहाँ 8 अंक लिखा हुआ यानी व्यय भाव 12वां भाव, वहाँ पर नवम दृष्टि राहु ग्रह की पड़ेगी। राहु ग्रह सुख भाव में बैठे हैं, माता के भवन में बैठे हुए हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी के भवन में बैठे हुए हैं। देखिए प्रिय दर्शकों, ये राहु का परिवर्तन धनु राशि वालों के कतई अच्छा नहीं है। मैं बड़ी बड़ी बातें आपको बताऊँ कि आपके साथ ये होगा वो होगा, ये बातें मैं नहीं जानता हूँ। मैं क्लियरली अच्छी बातें, यानी कि जो जैन मैन बातें जो आपके साथ जो घटित होंगी उन बातों पर ही ज़्यादातर बात करता हूँ, चाहे आपको बुरा लगे चाहे आपको न लगे। देखिए यहाँ पर राहु ग्रह जब सुख भाव में विराजमान होंगे तो धनु राशि वालों के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। सुख भाव में राहु अच्छा फल नहीं देते हैं, और इनकी जो दृष्टियाँ हैं तीनों की तीनों दृष्टियाँ ये भी अच्छे भावों पर नहीं है, यानी कि इनकी जो दृष्टियां हैं वो भी इतना अच्छा फल नहीं देंगी। देखिए क्या क्या आपके साथ होने वाला है। राहु जब चौथे भवन में बैठेंगे यहाँ पर तो सुखों में कमी आएंगी, हर एक काम में आपको मुसीबत पैदा करेंगे, अड़चने पैदा करेंगे। आपको सुख के लिए यानी कि आपके मानसिक तनाव को यहाँ पर राहु ग्रह बढ़ाएंगे। आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन वहाँ पर सोचेंगे सुख क्यों नहीं मिला, घर में कला कलेश क्यों बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी में फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है, गाड़ी घोड़े में फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है, जो मैं कारोबार कर रहा हूँ उसमें फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। राहु ग्रह यहाँ पर कुछ ना कुछ अड़चने डालेंगे आपके, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत करेंगे, और साथ में जनता का भवन भी है ये, यानी कि जो नेता हैं उनके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम है धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर राहु जाने से आपके लिए जनता के साथ वाद विवाद होने की समस्या बढ़ेगी, अपने मित्रों के साथ आपकी खटपट होगी किसी न बात पे, किसी न किसी बात पे। और राहु ग्रह की जो पंचम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है, अगर कोई रिसर्च करता है, अध्ययन करता है, पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ध्यान देता है, अपने लक्ष्य पे सीधा लक्ष्य को देखता है, इधर उधर की बातें नहीं जानता है, वैसे धनु राशि वाले बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं, वो लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, जो काम उन्होंने करना है वो करते ही करते हैं और मेहनत को अपना सर्वस्व मानते हैं, तो यहाँ उनके लिए तो बढ़िया है। यहाँ पर अष्टम दृष्टि पर पड़ने भाव पर दृष्टि पड़ने से
रिसर्च करताओं की बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए बढ़िया है, साधना करने वालों के लिए बढ़िया, सिद्धि अर्जित करने चाहते हैं उनके लिए बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर दृष्टि पड़ने से दो बातें और होंगी, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशानी भी होगी, साथ में अगर कुछ भी आप बातें अपनी जो आप कार्य करने वाले हैं, कुछ भी प्लानिंग बना रहे हैं या आपके कोई कार्य बनने वाले हैं, कतई भी किसी को अपने बारे में न बताएं। अगर थोड़ा से भी अगर आपने 4 रुपये ज़्यादा कमा लिए हैं कि आपका महीना बढ़िया चल रहा है, पैसा आपके पास आ रहा है, धन संपदा आ रही है, लेकिन अगर आपने किसी को बता दिया, मित्र को भी बता दिया, उसकी दृष्टि आप पर लग जाएगी, यानी उसकी नज़र, धनुराशि वालों, नज़र लगने का पूर्ण योग यहाँ पर बनता है। इसलिए अपनी बातें, अपने जो कुछ भी आपके पास है वो आपने थोड़ा छुपा छुपा कर रखें। और अगर आप जनता के सामने जा करके अपनी बातें बताते हैं तो कहीं ना कहीं आपके नज़र लगने का पूर्ण योग बनता है। अगर आप सिद्धि करना चाहते हैं, किसी देवता की सिद्धि करना चाहते हैं, तंत्र साधना करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत उचित है। राहु ग्रह इसमें आपको फल देगा, गुप्त साधनाओं के लिए बहुत बढ़िया है, रिसर्चकर्ताओं के लिए बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए बढ़िया है। साथ में राहु ग्रह की जो सप्तम दृष्टि है, जो कर्म भाव पड़ेगी, कार्यस्थल पर पड़ेगी, रोजगार, व्यवसाय, नौकरी जो आप करते हैं, जहाँ भी से भी आप धन कमाते हैं, उस स्थान पे केतु ग्रह का बैठना, केतु बल तो देगा आपको, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, हो रखा है। राहु अगर दशम भाव में अच्छा फल देते हैं और केतु चौथे भाव में अच्छा फल देते हैं, लेकिन अगर केतु दशम भाव में है और राहु चौथे भाव में है तो ये उल्टा फल हो जाता है। क्यों? राहु की दृष्टि पड़ती है तो कार्यस्थल पर कुछ ना कुछ वाद विवाद बनने के योग बनते हैं। अगर आप अपनी बुद्धि का पूर्ण उपयोग करते हैं, किसी से वाद विवाद नहीं करते हैं, वाणी का सही प्रयोग करें, तो ये मुसीबतें टल सकती हैं आपकी। क्योंकि बड़ी बात ये है आपके लिए, मैंने इसलिए देवक गुरु बृहस्पति भी यहाँ पर लिखे हैं, पंचम भाव में आपके लिए देवक गुरु बृहस्पति का श्रेष्ठ फल है। आप ये ना सोचें कि राहु ग्रह यहाँ पर बहुत कुछ करने वाला है, लेकिन यहाँ पर देवक गुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे इस साल। क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद जूं ही राहु से देवक गुरु बृहस्पति का गुरु चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा, त्यों ही आपकी बुद्धि बहुत ही प्रखर हो जाएगी और आपके अंदर नवीनता, ऊर्जा, आपके अंदर पढ़ाई लिखाई की शक्ति, बोलने की शक्ति और साथ में धन कमाने की शक्ति, उन्नति करने की शक्ति देवक गुरु बृहस्पति यहाँ प्रदान करेंगे। देखिए संतान योग बनेगा, देवक गुरु बृहस्पति जब पंचम में रहते हैं संतान योग बनाते हैं, प्रेम अफेयर लव लाइफ के लिए बहुत बढ़िया है, साथ में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है, मानसिक तनाव समाप्त करेंगे देवक गुरु बृहस्पति। साथ में देवक गुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी, हर एक काम में देवक गुरु बृहस्पति आपके साथ खड़े रहेंगे, भाग्य का पूर्ण साथ आपको देंगे और सपिता का भी साथ मिलेगा, धर्म का साथ मिलेगा, आप धार्मिक बने रहेंगे। राहु में अगर आप मांस मदिरा, इस राहु काल में जो राहु चौथे भाव में बैठा हुआ, इस राहु की 18 महीने में अगर आप अपने को व्यभिचारी बना लेते हैं, भोग विलासिता में लिप्त करते हैं, आप धार्मिक न हों, आप मलिन हों, या आप स्नान न करें, या आप अपवित्र रहें, शुद्ध न रहें, तो आप कहीं ना कहीं राहु बहुत परेशान करेगा। अगर आप देवक गुरु बृहस्पति की तरह आप टीका लगा कर रखें, केसर का तिलक लगाएं, भगवान की रोज सेवा करें, नित्य सेवा करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये काल भी इतना परेशान नहीं करेगा। और साथ में देवक गुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ेगी, लाभ भाव पर पड़ेगी, लाभ के अवसर मिलेंगे, धन धान्य के लिए बढ़िया है, उन्नति के लिए बढ़िया रहेगा। साथ में आपकी राशि पर ही देवक गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ने से आपके अंदर ओज, तेज, नया व्यक्ति उभर कर आएगा, ज्ञानी व्यक्ति बनेगा, श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा और एक अच्छा व्यक्ति बन करके समाज के अंदर दिखेगा धनु राशि वाला। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा देने के लिए, सब कुछ दिलाने के लिए बृहस्पति यहाँ पंचम में बैठे हुए, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। राहु आपको परेशान हल्का फुल्का करेगा, लेकिन आप धार्मिक रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। राहु का आपके लिए इतना अच्छा श्रेष्ठ प्रभाव नहीं है। अब व्यय भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा राहु ग्रह, यहाँ पर अनिद्रा, मानसिक तनाव करेगा, नींद का ना आना, स्वप्न में आप क्या कहते हैं स्वप्न देखना, ऐसे अभद्र स्वप्न का हो दिखना, या नींद में आप कहीं फंस जाना, इस तरह से आपके स्वप्न भी होंगे, साथ में शयन में भी दिक्कतें आएंगी और साथ में खर्चा आपका बहुत बढ़ेगा और विदेश में जो है वहाँ पर भी आपको मुसीबतें आएंगी।
तो राहु थोड़ा से आपके लिए यही करेगा। राहु अचानक कुछ बदलाव कर सकता है आपके अंदर, अचानक कुछ धन धान्य दे सकता है जब आप धार्मिक रहेंगे। और साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत श्रेष्ठ फल है। अब उपाय देख लिए राहु की प्रसन्नता के लिए, राहु का अच्छा फल पाने के लिए गौ माता की सेवा करें, साथ में पक्षियों को दाना दें, अपने इष्ट देवता आराध्य देवताओं की उपासना करें, उनके लिए दान पुण्य करें, उनके लिए वस्त्र दें, उनके लिए अगर हो सके तो इस 18 महीनों के अंतर्गत अपने मंदिरों में जा करके कुछ वहाँ चढ़ाएं, या घंटी चढ़ाएं वहाँ पर, या वहाँ छत्र चांदी का छोटा ही छत्र चढ़ाएं पर चढ़ाएं वहाँ चढ़ाएं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये राहु का जो है जो अशुभ प्रभाव है वो भी शुभ हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, अगर ये उपाय करते रहते हैं, साथ में बृहस्पति की उपासना आप जरूर करें, वीरवार के व्रत रखें, साथ में आप आपके राशि के मालिक हैं वो और बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुने, नारायण कवच का पाठ करें, ठाकुर की सेवा करें, तो ये आप करते रहेंगे, पीपल वृक्ष की सेवा करें, तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करें और आप मुझसे बात कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।